नमस्कार न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। और ये दिव्यापुर में मान्यवर कांशीराम साहब का 87वें जन्मदिवस को धूमधाम से मनाया गया और शुभकामनाएं भी दी गई। बहुचयन नायक मान्यवर कांशीराम साहब को माल्यार्पण कर साहब का सम्मान किया गया और वंदना कर कार्यक्रम शुरू किया गया व साहब के जन्मदिवस पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं व पुरुषों ने गीतों के साथ अपने विचार रखे। समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां व नशा मुक्ति जैसे समस्याओं व महिलाओं पर हो रही अत्याचारों के लिए जागरूक किया गया और भोजन की भी व्यवस्था की गई और छोटी से मेले का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर मानव विकास संस्थान टीम और बुद्ध व बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग मौजूद रहे। सम्मानित महिलाएं, पुरुष व बुजुर्ग मौजूद रहे। बुद्ध विहार, अम्बेडकर पार्क, बुद्ध भीम नगर, दिव्यापुर और यह जनपद में 87वें जन्मोत्सव मनाया गया। उनका जन्म दिवस 15 मार्च 1934 को हुआ था और कार्यक्रम को आयोजित करने वाले में बौद्ध भिक्षु शेफाली सिंह, बौद्ध साधना बौद्ध सुमनलता, बौद्ध अशोक कुमार दोहरे, सोनाली बौद्ध, कांति बौद्ध, पुष्पा दयाल, छवि गौतम, राजकुमारी बौद्ध, मुख्य इकरार मोहम्मद इकरार, राजीव बौद्ध, रोदी रोहित बौद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर मानव विकास संस्थान महिला विंग के नेतृत्व में मनाया गया। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता आयोजित हुई है। कांशीराम को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। उन्होंने कहा, उनकी प्रेरणा से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने जीवन में साम दाम दंड और भेद का संघर्ष से सामना किया। बाबा साहेब और कांशीराम के दिखाए गए रास्ते पर चले बिना आमजनों के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। किसान लगातार संघर्ष कर रही है, बसपा उनके साथ है। केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर कृषि कानून वापस लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था खराब है, जातिगत विद्वेष की भावना से काम कर रही है। भाजपा सरकार मायावती मान्यवर कांशीराम की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल पर अनुयायियों की भारी संख्या पहुंचे। हमारी पार्टी किसी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।